कोई गांव में लड़के आए हैं उन्होंने इनके घर पे आके थ्रेट दिए और उनके पास टोके थे कुछ भी था कुछ भी वेपन थे और हमें नहीं पता क्या क्या चीज़ें थी और उन्होंने इनके घर पे आके थ्रेट दिए आपके लड़के को हम मार देंगे लड़का नहीं मिला तो आपकी फैमिली को मार देंगे। जब गांव वालों ने देखा ये बात होते हुए और गाँव पीछे उन लोगों के पीछे लगा और फिर वो भाग गए उन्होंने फिर पता नहीं क्या लड़के को उठा के लेके उसी टाइम हमारा लड़का गायब हो गया उन्होंने मार के फेंके गए और इसका मर्डर हुआ है। हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं और वो बंदे अरेस्ट होने चाहिए और गाड़ी का नंबर है JK 12 3939 और चार बंदे थे वो चार पांच बंदे थे घर में आकर धमकी देकर मार के गए हमारा लड़का मारा हुआ और एक महीने कॉल कर देखो हम लोगों के बिल्कुल साथ हैं और जो हमें डेड बॉडी सौरभ कुमार सन्ना कमलजीत की मिली है वो इसी चल रहा था तो इसके हर पहलू को देखा जाएगा कि उसकी मौत वाकई कैसे हुई है उसका जिम्मेदार कौन है और अगर उनके घर वालों को किसी को शक है या वो समझते हैं कि किसी ने उसको मार दिया है तो कार्रवाई अकॉर्डिंगली होगी उसी तरीके से होगी। घर वालों को हमें ध्यान देना और जो भी उसमें दोषी पाया गया उसके खिलाफ उसके ये जो भी कार्रवाई होगी वो हम करेंगे। इसीलिए हम लोग आज यहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें मैंने कहा है कि इस मसले को सीरियसली देखा जाएगा और जो भी कल्प्रिट इसमें क्रिमिनलिटी करती है पूरी तलाश की उधर लोड़े भी है पर सानू कुदे नहीं मिलिया कल शामी उधर जाकर दिखा उसी जगह नहीं मिलिया पर उसी जगह पर जाकर दिखा उसी जगह पर सानू मिलिया पर सारे भरा कतल किया गया कोई भी है हमें क्या चाहिए?